हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस बायोग्राफी वीडियो में अपन बात करने वाले रफ्तार के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस और साथ ही बात करेंगे उनके सिंगिंग करियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है दिलीन नायर, साथ ही उनका निक नेम है रफ्तार, रा और मैक्स। रफ्तार प्रोफेशन से रैपर, सिंगर, डांसर और एक लिरिसिस्ट है। रफ्तार का जन्म 16 नवंबर 1988 को हुआ था। अभी 2021 में वे 33 साल के हो चुके हैं। रफ्तार का जन्म तिरुवनंतपुरम, केरला में हुआ था। साथ ही उनका होम टाउन दिल्ली में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से कंप्लीट की है। साथ ही आपको बता दें, रफ्तार कॉलेज ड्रॉपआउट स्टूडेंट है। बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में। तो उनको वर्कआउट करना और डांस करना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके सिंगिंग करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, रफ्तार का जन्म केरला में हुआ था। बाद में रफ्तार के पेरेंट्स दिल्ली आ गए। रफ्तार के पिता इंडियन रेलवे में काम किया करते थे, साथ ही उनकी माताजी टाइपिस्ट का काम किया करती थी। रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में की थी। तब रफ्तार ने अपना नाम मैक्स रखा हुआ था। साल 2009 में रफ्तार ने गिलगुली के साथ रैप करना स्टार्ट किया और इसी साल रफ्तार ने बियर बार सॉन्ग रिलीज़ किया। साल 2011 में रफ्तार ने डांस इंडिया डांस शो में भी पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद रफ्तार ने साल 2011 में अगेन जिंदाबाद और शेरे दी सॉन्ग में काम किया। और रफ्तार इसके बाद माफिया मुंडेर नाम के ग्रुप के साथ जुड़ गए, जहां हनी सिंह और बादशाह भी काम किया करते थे। जिसके बाद रफ्तार ने अपने खर्च निकालने के लिए द बिग डांस क्लब में एज अ डांस ट्रेनर की जॉब करना चालू कर दिया था। साल 2013 में रफ्तार ने डिब्यूटेंट मिक्सटेप विथ विटनेस द फ्यूचर के साथ में सॉन्ग रिलीज़ किया, लेकिन रफ्तार को वह पहचान अभी भी नहीं मिली थी जो वह अपने जीवन में चाहते थे। लेकिन रफ्तार ने भी हार ना मानते हुए काम करते रहे। फिर साल 2014 में रफ्तार की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब रफ्तार ने अपना सॉन्ग स्वाग मेरा देसी रिलीज किया, जो इस साल का बेस्ट पॉपुलर सॉन्ग बना। इसी के साथ ही रफ्तार को इस सॉन्ग के लिए बेस्ट अर्बन सॉन्ग एट द ब्रिटिश म्यूजिक अवार्ड भी मिल चुका है, जिसके बाद रफ्तार ने मानो हिट सॉन्ग की झड़ी लगा दी हो। सबसे पहले रफ्तार ने बॉलीवुड मूवी बुलेट राजा में तमंचे पे डिस्को सॉन्ग दिया, जो आते ही हिट रहा, जिसके बाद रफ्तार ने कई बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग दिए, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: मैंटो, दंगल, काबिल, ढिसुम, सिंग इज ब्लिंग, फुकरे रिटर्न्स, टाइगर जिंदा है, गब्बर इज बैक, लव आजकल, कमांडो 2 और जॉली LLB 2 जैसी मूवी शामिल है। आपको बता दें, रफ्तार ने 25 से भी ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है। साथ ही DIT बैटल ऑफ द चैम्पियन और MTV रोडीज जैसे TV शो में भी काम किया है। इसी के साथ ही रफ्तार ने कई म्यूजिक एल्बम रिलीज किए, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: 0 to Infinity, मिस्टर नायर और बारिश जैसे एल्बम शामिल है। रफ्तार ने कई हिट सॉन्ग्स दिए, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: हसीनों का दीवाना, धाकड़, दी पप्पी सॉन्ग, ऑल ब्लैक, डुपचिक डुपचिक जैसे सॉन्ग शामिल हैं। आपको रफ्तार कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, रफ्तार ने अपने फादर और मदर से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं की हुई है। अब बात कर लेते हैं उनके गर्लफ्रेंड और वाइफ के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, रफ्तार के वाइफ का नाम कोमल वोहरा है, जो कि प्रोफेशन से एक इंटीरियर डिजाइनर है। इसी के साथ ही रफ्तार की मैरिज साल 2016 में हो गई है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, रफ्तार पर सॉन्ग का 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसी के साथ ही किसी भी टीवी शो में काम करने के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। किसी भी लाइव शो में काम करने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 25 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे है मर्सिडीज बेंज S350D, जिसकी कीमत है 1.41 करोड़ रुपीज़। नंबर टू पे है ऑडी A4, जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए। नंबर थ्री पे है महिंद्रा थार, जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। और नंबर फोर पे है मर्सिडीज बेंज GLE 350D, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, रफ्तार दिल्ली में रहते हैं। इसी के साथ ही उनके घर की कीमत अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। साथ ही आपको बता दें, रफ्तार का केरला में भी एक घर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप रफ्तार के फैन हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।